शुभ प्रभात जी सभी मित्रों को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज देखिए, आज मौसम थोड़ा बेईमान है और ठंड है काफ़ी। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कुछ भी सजेशन मुझे देना हो वीडियो से, ब्लॉग से रिलेटेड, तो दीजिएगा। तो ऐसे ही एक पर्सन ने मुझे उस पर लिखा फेसबुक कमेंट्स में कि आप जो है लाहौल को प्रमोट कर सकते हैं, लाहौल के कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, या कुछ ऐसी स्टोरीज सुना सकते हैं, घुरे गा सकते हैं, है ना। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हूँ अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कुछ नया बताया जाए। काफ़ी लोग तो मेरे जान पहचान के ही हैं, फ्रेंड्स हैं जो यहाँ आते जाते रहे हैं, उन्होंने ये स्टोरी सुनी भी है। और जो नहीं जानते या पहली बार वीडियो देख रहे हैं या वीडियो देखते हैं लेकिन इस बारे में नहीं जानते, उनको मैं बता दूँ। तो ये जो रास्ता है ये मड हाउस के साथ ही आता है और ये रास्ता जाता है, जैसे कि आपको सामने लाल झंडी दिख रही होगी, ये मंदिर है और ये शिव मंदिर है और साथ में माता का मंदिर है। और इसके पीछे ना कहानी है। हुआ क्या था कि जो मेरे पापा के मामू हैं, उनका नाम मानदास जी था, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, तो उनको, वो थोड़े भक्ति में लीन रहने वाले पर्सन थे, तो उनको मतलब कि सपना आया है ना। अब उतनी सटीक तो या एकदम परफेक्ट तो स्टोरी मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है या जहाँ तक मैंने सुना है, तो उनको सपना आता है ना, कि यहाँ के लिए, कि यहाँ पर जैसे कुछ है करके। तो हुआ क्या कि वो आए एक दिन, और बताते हैं कि जिस दिन वो आए थे तो यहाँ पे पूरे इस जो चोटी सी दिख रही है यहाँ पे ना धुंध भर गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ कि वो आगे बढ़ते रहे और उधर जब खुदाई हुई तो वहाँ पर शिवलिंग निकला, है ना। तो मतलब कि एक जो उनकी आस्था थी, एक जो उनका विश्वास था, है ना, और जो उन्हें जो सपना आया था वो पूरा हुआ। और आज शिव मंदिर को बहुत सारे लोग जानते हैं और कई टूरिस्ट आकर यहाँ पर दर्शन भी करते हैं, और गाँव के लोग तो खैर करते ही हैं। और अभी इतना एक्सप्लोर नहीं है ये जगह, है ना, मड हाउस तक तो लोग आते लेकिन मंदिर की तरफ नहीं आते उतना। तो चलो अच्छी भी बात है, सफाई बनी रहेगी, है ना। बाकी क्योंकि ज़्यादा अगर ये चीज़ एक्सप्लोर हो जाए, ज़्यादा लोग जानने लगे तो क्या हो जाता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है और सफाई नहीं रहती, है ना। तो आपको सुबह सुबह आज मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। और अभी मैं हाथ धोकर आई हूँ तो हाथ मेरे जो जम रहे ना, मैं ही बता सकती हूँ। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए थोड़ी बहुत ही सही मेहनत तो की है ना। और ये देखिए क्या तो नज़ारा दिख रहा है। बस थोड़ा सा ही रह गया, फिर हम मंदिर पहुंच जाएंगे। और आप सब भी बताइएगा आपके वहां पर कैसा मौसम है। कई लोग हिमाचल से ही हैं जैसे कि, और कई दिल्ली चंडीगढ़ के भी, तो बताते हैं कि आजकल तो भाई वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, सॉरी गर्मी है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ, ठंड की वजह से मुझे ठंड ही याद आ रही है, हाथ जम रहे। बस पहुँच ही गई, चोटी में हल्की धूप आ गई है,
लेकिन नीचे तो नहीं है क्योंकि मौसम देखिए आज पैक है। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। सुबह सुबह भजन गाना चाहिए। चलो मैंने गाना गा लिया पर मौसम के ऊपर था। चलो कोई बात नहीं। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी भी जो नानू थे, जो पापा के मामू, उनकी फैमिली गांव में रहती है और वो पुजारा फैमिली के नाम से जानी जाती है। ये देखिए वो शिवलिंग है। आप सब भी सुबह सुबह आशीर्वाद ले लीजिए। आज का दिन, हर दिन हम सब के लिए बहुत ही अच्छा हो जब तक इस संसार में हैं हम, और हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दे परमात्मा ताकि हम किसी का बुरा ना करें, मेहनत और लगन करें और आगे बढ़ते जाएं। और ये माता का मंदिर है और यहाँ पर जो मूर्ति है अष्ट धातु की है। बस पहुंच ही गई। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु, हम सुबह सुबह आपके दर्शन में आए हैं तो आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा हो और हम जो हर कार्य को अच्छे से करने वाले बने और हमें आशीषित कर। तो ये है जी हमारा थंग थंग का मंदिर। और कभी भी आप जो है मड हाउस विजिट करें तो ये मंदिर की तरफ ज़रूर आइएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।